Hello everyone and welcome to Knowledge Zone by Kashan Khan. This is Kashan Khan, your host, Level 2 Advanced Cricket Coach from Cricket Australia. And today's video is going to be very, very interesting video. क्योंकि आज की जो वीडियो है वो बेसिक्स ऑफ क्रिकेट के बारे में है. हमारे बेसिक्स ऑफ क्रिकेट की वीडियोस पहले भी आ चुकी हैं, लेकिन अभी नया बैच स्टार्ट हुआ है और इस बैच को हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वॉट इज़ द इम्पॉर्टेंट ऑफ होल्डिंग द बैट इन द राइट पोजिशन, वॉट इज़ द इम्पॉर्टेंट ऑफ द बैक लेफ्ट, वॉट इज़ द राइट बैक लेफ्ट, वट शुड बी योर हेड पोजिशन, स्ट्रेट ड्राइव, कवर ड्राइव कैसे होते हैं, गार्ड कैसे लेना है. तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा काम की वीडियो है. आप दुनिया में कहीं भी रहते हैं, इस वीडियो को देखकर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि बेसिक्स ही वो चीज़ हैं कि आप प्रोफेशनल लेवल पे भी चले जाएं, लेकिन अगर आपकी बेसिक्स सही हैं तो आप प्रोफेशनल लेवल के ऊपर भी सक्सेसफुल हो सकते हैं. तो आपको बताते हैं कि आज क्या है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव गॉट अ बंच ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स ओवर हियर जो कि बिगनर्स हैं, अभी ज़ाहिर है कि सीख रहे हैं. तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, वो है आपका विकेट्स के ऊपर जाके गार्ड को मार करना. तो ये तीन स्टम्प्स होती हैं. अभी जाहिर है कि हमारे पास वो वुड स्टम्प्स नहीं है, हमने ये वाली स्टम्प्स रखी हुई है. तो इसमें आप इमेजिन करेंगे कि जो लेग स्टम्प पे, लेफ्ट पे जो हमारी स्टम्प होती है ये कहलाती है लेग स्टम्प. सेंटर स्टम्प को हम कहते हैं मिडिल स्टम्प. और जो हमारी राइट साइड पे होती है, अगर इफ़ वी आर अ राइट हैंड बैटर, तो वो कहलाती है ऑफ स्टम्प. सही है. तो हमने सबसे पहले गार्ड को मार्क करना होता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए कि आपको अपनी विकेट्स का अंदाज़ा हो जाता है, आइडिया हो जाता है जब आप मैच में या नेट्स पर बैटिंग करते हैं. बहुत सारे बच्चे या बिगनर्स गर्ल्स मैंने देखा है कि जाते हैं, वो सिर्फ ऐसे ही खड़े हो जाते हैं और उसके बाद उन्होंने स्टम्प्स को कवर किया और वो अपनी बैटिंग को शुरू कर देते हैं. उन्हें पता ही नहीं कि वो कहाँ खड़े हो रहे हैं. देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट. आप मैचेस में देखिएगा, आईपीएल मैचेस देखते हैं, पीएसएल देखते हैं, अभी वर्ल्ड कप हो रहा है, आप इंटरनेशनल मैचेस में देखिए कि बैट्समैन जब भी नया बैटर अंदर आता है वो आके सबसे पहले गार्ड लेता है. तो गार्ड लेने का तरीका क्या होता है कि ऑल यू हैव टू डू, अपना बैट जो है वो वर्टिकली इस तरह से आप पॉइंट कर लेते हैं. से फॉर एग्जांपल मैं लेग स्टंप का गार्ड लेना चाहता हूं, तो ये लेग स्टंप है, ये कौन सी स्टंप है, मिडिल स्टंप है, और ये ऑफ स्टंप है. तो ये लेग स्टंप का गार्ड लेना चाहता हूं, तो मैंने अंदाजे से बैट अपना यहां रख दिया और उसके बाद में जो सामने मेरे एम्पायर है या मेरा जो हेल्पर है या बैटर है नॉन स्ट्राइकर एंड पे, मैं उससे पूछूंगा कि ये जो लेग स्टंप है ना, ये मेरे बैट के पीछे हाइड हो जानी चाहिए. यानी कि जो सामने से बंदा खड़ा हुआ है जो आपको ये बता रहा है, बैट के पीछे से लेग स्टंप दिखने नहीं चाहिए. अगर ऐसा हो गया है तो दैट मींस कि आपने लेग स्टंप सही से मार्क कर लिया है और फिर वहां पर आप निशान लगाते हैं हार्ड. समटाइम ऐसा होता है कि आप लोग सीमेंट के ऊपर खेल रहे हैं तो वहां पे आप मार्किंग नहीं कर सकते, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर बैटर जो है वो स्पाइक्स वेयर किए हुए होते हैं, तो वो अच्छे से इसको मार्क कर लेते हैं. यहां पर अगर आप ट्रफ पे भी बैटिंग कर रहे हैं तो समटाइम्स स्पाइक्स आर नॉट अलाउड. तो उसके लिए क्या करना होता है कि आप चॉक्स रख सकते हैं अपने पास. आप चॉक, हर कोई कलरफुल चॉक्स लेकर आए, पॉकेट में रखा हुआ है, एक मार्क आपने कर लिया तो आपको पता चल गया कि ये आपका लेग स्टंप है. इसी तरीके से आप मिडिल स्टंप भी कवर कर सकते हैं. सेकंड चीज़ जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है बैट ग्रिप. तो ये बात फर्स्ट स्टेप याद आ गया कि हमने जाके सबसे पहले जब तक अच्छे से गार्ड मार्क नहीं करेंगे अपना, हम बैटिंग स्टार्ट नहीं करेंगे. सेकेंड स्टेप जो होता है वो ये है कि आपने बैट को होल्ड कैसे करना है. तो अगर आपका बैट हम ऐसे इसको प्लेस कर देते हैं तो विद द हेल्प ऑफ थंब एंड द इंडेक्स फिंगर, काइंडली पे अटेंशन ओवर, आपका थंब और आपकी जो इंडेक्स फिंगर है इसके साथ आप एक वी शेप बनाते हैं, अल्फाबेट वी बनाते हैं, ठीक है ना, ए बी सी डी में होता है. उसके बाद ये जो बैट की स्पाइन है, ये बैट की फ्रंट साइड है, ब्लेड है, ये बैट की बैक साइड है, ये स्पाइन कहलाती है जो कि बैकबोन होती है, कमर होती है. ये पूरा ऐसे आगे तक जा रही है हैंडल तक. हैंडल पे आके आपने इसको ऐसे रखना है और आपने ये वी जो आपने बनाई है थंब से और इंडेक्स फिंगर से, इसको आपने यहाँ से होल्ड कर लेना है बॉटम हैंड से, और उसके बाद आपने इसी को होल्ड कर लेना है टॉप हैंड से. थोड़ी सी जगह आपने हैंडल से नीचे से छोड़नी है, यानी कि यू डोंट हैव टू होल्ड द बैट लाइक दिस. ये पोजीशन में नहीं पकड़ेंगे, दिस इज रॉन्ग. इसको दोनों मिला के भी नहीं पकड़ेंगे, थोड़ा सा ऊपर से छोड़ेंगे, थोड़ा सा नीचे से इसको ड्रॉप करेंगे और हम इसको वी बना लेंगे ऐसा. इसको हम यू नहीं पकड़ेंगे, जो कि बॉटम हैंड प्लेयर आप बन जाओगे. कुछ दुनिया में प्लेयर्स हैं जो हार्ड हिटर्स हैं, वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर हैं, पाकिस्तान के कुछ प्लेयर हैं, फ़खर जमान है, वो भी बॉटम हैंड प्लेयर हैं. होते हैं लोग जो हार्ड हिटर्स होते हैं, लेकिन उससे क्या होता है कि उनकी रिस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं कि वो सिर्फ सर्टेन एरियाज़ में ही मार सकते हैं, कट इतनी अच्छी से परफॉर्म नहीं हो सकते, कवर्स वगैरह इतनी आसानी से नहीं लग सकते. अभी आप लोग छोटे हो, बिगनर हो, तो जाहिर है कि आपको अभी से ही अगर आदत पड़ जाए कि टॉप हैंड कैसे यूज़ करना है, तो बॉटम हैंड को थोड़ा सा हम लूज़ कर लेंगे. उसके बाद हम यहाँ पे अपने जो गार्ड हमने लिया है उस गार्ड पे खड़े होंगे, पैर हम अपने उतने खोलते हैं जितनी हमारी शोल्डर की विड्थ होती है. हर एक की शोल्डर की विड्थ उसकी एज के हिसाब से चेंज हो रही होती है. जाहिर है कि आप छोटे हैं तो आपका स्ट्रक्चर छोटा है, अभी फ्रेम है स्मॉल, तो आपकी विड्थ भी स्मॉल होगी. सही है. तो आपने जितनी आपकी शोल्डर की विड्थ है उसके मुताबिक आपने ये पैर अपने ओपन कर लिए.
ठीक है। और उसके बाद आपने बैट को ऐसे रखा, आपके लेफ्ट थाई के ऊपर लोड आया थोड़ा सा, और आपने जब बैक लिफ्ट करनी है तो बैट आपका आइडियल तो ये है कि सेकंड स्लिप से की तरफ ये पॉइंट कर रहे हो आपकी टो। कुछ लोग इसको यूं रखते हैं राइट साइड पे, कुछ लोग इसको बेसबॉल की तरह पकड़ लेते हैं, हर एक अपना स्टाइल है। लेकिन बुक जो कहती है हमें वो आइडियल सिचुएशन यही है कि हमने इसको बैक लिफ्ट को ऐसे रखना है कि जो हमारी वेस्ट हाइट तक आए, बहुत ऊपर ना जाए, वेस्ट हाइट ये होती है वेस्ट हाइट तक आए, और जो बैट है वो पॉइंट कर रहा हो आपका सेकेंड स्लिप की तरह, यानी कि यहाँ कीपर है, ये फर्स्ट स्लिप या सेकेंड स्लिप, ये आइडियल पोजिशन है। उसके बाद जाहिर है कि हमने गार्ड ले लिया, वहाँ हमने अपनी टो रख दी और हम उस गार्ड के ऊपर खड़े हो गए। उसके बाद हमने बैट को जैसा आपको बताया होल्ड करना था, हमने बैट को वैसा होल्ड कर लिया, हमने बैक लिफ्ट अपनी वेस्ट हाइट तक कर ली, बैट हमने पॉइंट कर लिया सेकंड स्लिप की तरफ। अब हमारे सामने तीन कोन्स है, अगर आप देख सकते हैं तो ये नॉर्मली होती है हमारी कवर ड्राइव के लिए, ये आ जाती है हमारी स्ट्रेट ड्राइव के लिए, ये आ जाती है हमारी ऑन ड्राइव के लिए। ठीक है, बहुत आसान है। अगर बॉल आपके करीब आ रहा है, बॉलर ने बॉल डिलीवर किया और अगर आपके करीब आ रहा है, आपको लग रहा है कि आपके बैट की रेंज में आ रहा है, तो आप उस सूरत में अपना फ्रंट फुट यूज करेंगे। अगर आप लेफ्ट हैंड बैटर हैं तो आप अपना राइट फुट जो है आपका राइट लेग वो आपका फ्रंट फुट हो जाएगा, और अगर आप मेरी तरह राइट हैंड बैटर हैं तो आपका जो लेफ्ट लेग है वो आपका फ्रंट फुट हो जाएगा। तो अगर हमने अच्छे से प्लांट किया हुआ है तो हमें क्या करना है, ऑल वी हैव टू डू कि हमें उसके बाद जो नेक्स्ट मेन स्टेप है वो हेड स्टिल रहना चाहिए, हेड हिलना नहीं चाहिए ऐसे, और ना ही हमारा हेड इस तरफ गिर रहा हो, हमारा हेड बॉलर जहां से आ रहा है उसकी तरफ हो ऐसा, और हेड स्टिल हो, हम बिल्कुल द बॉलर ने जब एम्पायर को क्रॉस किया है उसके बाद हमारा हेड बिल्कुल स्टिल होना चाहिए, हमें मूवमेंट ज़्यादा नहीं चाहिए कि हम एंड टाइम पे मूवमेंट कर रहे हो, ऐसा नहीं है। हेड की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एक अलग से क्लास होगी, वो आपको बाद में बताएंगे। अभी बेसिक्स ऑफ क्रिकेट में गार्ड कैसे मार्क करना है, बैट को कैसे होल्ड करना है, बैट की बैक लिफ्ट क्या होनी चाहिए, बैक जो है आपका वो कहाँ से पॉइंट करना चाहिए, और आपकी हेड पोजीशन स्ट्रेट होनी चाहिए बॉल की लाइन में। और उसके बाद ये आपके पास कवर ड्राइव है जो स्ट्रेट है आपके सामने बिल्कुल सीधा, वो आपका स्ट्रेट ड्राइव है, जो थोड़ा सा आपके लेफ्ट साइड पे है वो आपका ऑन ड्राइव है। तो कवर ड्राइव के लिए ऑब्वियसली आप ऐसे आते हैं और इसको आप कवर ड्राइव कर देते हैं बॉल को, अगर बॉल आपके करीब आ रहा है और आपने बॉटम हैंड को थोड़ा सा लूज किया हुआ है। और स्ट्रेट ड्राइव के लिए भी अगेन आप ऐसे आते हैं और सीधा, और इसको बॉल का जो बैट का जो ब्लेड है वो बिल्कुल स्ट्रेट जाता है, एल्बो हाई होती है, हेड स्टिल रहता है, और डेफिनेटली अगर आपका ऑन ड्राइव है तो अगेन आपका फ्रंट फुट ऐसे आगे आता है और आप बैट की पोजीशन सीधे रखते हुए इसको ऐसे ऑन ड्राइव भी कर देते हैं। एक चीज़ जो आप लोगों ने नोट करनी है इस वीडियो में वो ये है कि बॉटम हैंड थोड़ा सा लूज पकड़ा हुआ है और पूरा आगे तक फ्लो जा रहा है, इसको हमने छोड़ नहीं दिया, और बॉडी का वेट भी आगे आया है, हेड के साथ बॉडी का वेट भी आगे आया है। ऐसा नहीं हुआ कि मैं यूं खड़ा हुआ स्टैटिक और यूं मार रहे, ये कोई पोजीशन नहीं है। आप आगे हो और आपने उसके बाद बॉल पर नजर रखनी है, बॉल करीब पिच हो गया, सेंटर में पिच हो गया, आपने इसको पूरा ऐसे स्ट्रेट ड्राइव कर लिया। तो दैट वॉज द वीडियो अबाउट द बेसिक्स ऑफ क्रिकेट। आई होप कि ये बहुत ज़्यादा नहीं हुआ होगा, आप इसको बार बार देखें तो यू विल बी एबल टू बैट मोर प्रॉपरली, मोर प्रोफेशनली, और इससे आप अपनी बैटिंग को ग्रो करेंगे। ऑब्वियसली देयर आर लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स इन्वॉल्व इन इट, जैसे जैसे ये बच्चे बड़े होंगे बहुत सारे हैं, शॉट सिलेक्शन है, शॉट की रेंज बढ़ाना है, पावर हिटिंग है, बहुत सारी चीज़ें उसमें आती हैं, मैच सिनेरियोज हैं, किस कंडीशन में कैसे बैटिंग करनी है, स्विंग को कैसे डील करना है, स्पिन को कैसे डील करना है, डेफिनेटली वो चीज़ें आगे आती रहेंगी। लेकिन अभी इस एज ग्रुप के अंदर बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और आई होप कि इन्होंने कुछ समझा होगा। दैट वॉज द वीडियो अबाउट द बेसिक्स ऑफ क्रिकेट, आई होप यू हैव इन्जॉयड इट, इफ यू डू सो काइंडली सब्सक्राइब अवर चैनल नॉलेज ज़ोन बाय काशान खान, एंड थैंक यू वेरी मच, एंड यू ऑल हैव अ वेरी गुड वन, थैंक यू।